भाइयों और बहनों, मेरे सभी मित्रों, आज मैं आपको श्वेत पलाश, सफेद फूलों वाला ढाक का पेड़ दिखा रहा हूं। इसे पलाश बोलते हैं, ढाक बोलते हैं और टेसु बोलते हैं। ये फूलों के आधार पर तीन तरह के होते हैं, लाल पलाश, रक्त पलाश, पीत पलाश, पीला फूल वाले, और श्वेत पलाश, सफेद फूलों वाला। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं श्वेत पलाश, सफेद फूल आते हैं इस पर और ये आजकल बहुत ही दुर्लभ हो गया है। मैं इस पौधे को कल्याण से दिखा रहा हूं। ढाक के तीन पात, इसमें ढाक में हमेशा एक साथ तीन पत्ते होते हैं इस तरह से। तो मित्रों, इसका बॉटेनिकल नाम बुरिया मोनोस्प्रमा है और दक्षिण भारत में इसके फूल जो हैं 15 नवंबर से शुरू होते हैं, जबकि उत्तर भारत में 15 जनवरी से शुरू होते हैं। तो ये है श्वेत पलाश मित्रों, और जिस किसी को भी श्वेत पलाश चाहिए वो कमेंट्स में दें। इस समय अगस्त का महीना चल रहा है और इसे आने में लगभग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 4.5 महीने हैं। तो मैं कमेंट्स में देखकर उन लोगों से कांटेक्ट करूंगा। ये बहुत दुर्लभ है श्वेत पलाश। 3 साल पहले मैंने एयर लेयरिंग करके एक पौधा तैयार किया था, अब इस साल में लगभग 100 पौधे एयर लेयरिंग करके तैयार करने हैं और लोगों को देना है, क्योंकि ये विलुप्त कगार पर है बुरिया मोनोस्प्रमा। तो ये देख लें, मैं इसका लोकेशन नहीं दे रहा हूं, नहीं तो लोग ले जाएंगे। इस तरह से लगभग ये 10-12 फीट का है बस। इसमें मुझे 100 क्लोन करना है और जनता को देना है, बहुत डिमांड है इसकी। पिछला जो मैंने तैयार किया था वो 51,000 में बिका था, एक मुंबई के सेठ ने लिया था। तो इतना महंगा है मित्रों। कमेंट्स में वही लोग लिखें जिनको इसकी आवश्यकता है और जो कलेक्शन करना चाहते हैं, अपने गार्डन में इसको लगाना चाहते हैं। तो मित्रों, एक बार फिर, यह है श्वेत पलाश, बुरिया मोनोस्प्रमा। फूलों के आधार पर तीन तरह के होते हैं, लाल, रक्त पलाश, पीत पलाश और श्वेत पलाश। ये श्वेत पलाश है मित्रों। ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार, नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा, कल्याण।